गया, चलो 18.8 के हो गया, लेट्स गो, अभी बताता हूँ मैं। तो दोस्तों बात ऐसी होती है, एक बच्चा रहता है ठीक है सीएस की दुनिया में, वो बोलता है मुझे बनना है सीएस का बादशाह। ठीक है, अब उस दुनिया में कुछ होते हैं भगवान, जैसे गेटराइट हो गए, फॉरेस्ट हो गए, यू नो सीएस के गॉड्स, और कुछ होते हैं शैतान जो हैक बनाने वाले एजेंट होते हैं, यू नो जो ये बूस्टिंग सर्विसेज वाले होते हैं, ये सब यू नो शैतान। तो अब फोरसेकन भाई चालू करते हैं खेलना, ठीक है खेलते हैं खेलते हैं, काफी सालों तक खेलते हैं, पर इंडियन सीन में एक बंदे को भी उसका नाम नहीं पता कि ये कौन है ये क्या है। तो दुनिया से तंग होके, मम्मी मम्मी शैतान मम्मी, मेरे से नहीं हो रहा, मैं मेहनत तो कर रहा हूं पर मेरा गेम इंप्रूव नहीं हो रहा, ऐसा वो करता है। तो शैतान बोलता है क्या तुम्हारा गेम इंप्रूव नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हें सिखाता हूं। फिर बोलता है बेटा word.exe, इसको तुम डालो और फिर देखो। तो अचानक से फॉरसेकन से वो फॉरसेकन देवता बन जाता है, गेटराइट फॉरेस्ट सिंपल सब उसके नीचे, फॉरसेकन देवता सबसे ऊपर। फिर फॉरसेकन देवता आउट ऑफ नोवेयर, फ्रॉम बीइंग नोबडी इन इंडिया, बिकम्स द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया विद इन द स्पैन ऑफ वन डे। एक ही दिन में नीचे से ऊपर, गरीब से अमीर, हैवान से शैतान, सॉरी हैवान नहीं, शैतान से भगवान, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, शैतान से भगवान ये बन जाता है। लोग फॉरसेकन देवता को पूजने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, इनमें कुछ तो खोट है, पर लोगों को कहाँ सुनना है, उन्होंने तो उन्हें देवता बना लिया था। फिर फोरसेकन भैया सबको ठोकते हैं काफी समय तक, जीतते रहते हैं जीतते रहते हैं जीतते रहते हैं, उन्होंने हार देखी ही नहीं अपनी जिंदगी में, जब तक उन्हें मिलता है एंटी चीट। अब कहाँ देसी एंटी चीट से वो पकड़े जाने वाले थे, ना देसी ना विदेशी, ना ASCA कुछ कर पाया, ना ESL ना सोस्ट्रोम, पाला पड़ा उनका चाइना के एंटी चीट से। अब चाइना का तो जैसे आपको पड़ा पाला, तो चाइना का एंटी चीट बोला बेटा तुम हैक करोगे, word.exe काउनीमा चमादीना टपा टप, क्या बोलते टपा टप। फिर फॉरसेकन रहता है नहीं, मैंने हैक सिर्फ अपना एम इम्प्रूव करने के लिए यूज किया था, मेरे में गेम सेंस थी, पर मैं इन लोगों को देखता था, उन लोग अच्छा खेलते थे, मुझे बुरा नहीं लगा मेरे ऐप का, नहीं, मेरा सिर्फ एम खराब था गाइस, बाकी तो मैं अच्छा प्लेयर था, ऐसा वो बोलता है। पर एंटी चीट बोलता है पग पहन के लौड़े निकल निकल, तो एंटी चीट निकाल देता है उसको। फिर वो आता है इंडिया, ठीक है इंडिया आने का तो आपने सुना गाइस मेरा एम अच्छा था, मेरे में कोई खोट नहीं। और जितने भी लोग थे जो फॉरसेकन को देवता बना के बैठे थे, सब तैयार थे चप्पल लेके बैंचो घर जाके मारने के, पर अब क्या ही करे क्या ही करे, गलती भी तो उनकी ही थी, शैतान से भगवान बना दिया, अब उसको वापस नीचे आके मारेंगे कैसे कैसे। तो अब फॉरसेकन बनाता है बॉडी आउटसाइड द गेम, गेम से कोई लेन देन नहीं। और ये थी गाइस फोर सेकंड भाई की कहानी।